ये जो मेंटेलिटी है ना कि भाई वापस गया तो सब खत्म है, दिस इज अ रॉन्ग मेंटेलिटी। वापस गया तो तुम वो चीजें स्टार्ट कर सकते हो जो वहां पे बैठे हुए लोग स्टार्ट नहीं कर सकते। भाई वहां के अपने देश के बहुत प्रॉब्लम है आपकी सोच से भी ज्यादा। यू हैव फैमिली सिस्टम, यू हैव सोशल सपोर्ट, यू हैव फ्रेंड्स, तुम्हारा देसी खाना, देन यू हैव इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, यू हैव इंटरनेशनल एजुकेशन, हाथों हाथ लेंगे तुम्हें। आप जब यहाँ आओगे यू विल गो थ्रू अ वेल डिफाइंड सिस्टम फॉर एवरी थिंग वॉट यू डू, नॉट इन द रेस्ट्रिक्टिव वे। ठीक है, तो बेसिकली ये आपको उतनी फ्रीडम देंगे बट उनकी लगाम भी उनके हाथ में है आपकी। बट आई फील लाइक कि हमारा मोस्ट ऑफ द पीपल दे थिंक कि जी वहां जाएंगे बट जर्मन पीआर मिल जाए, जर्मन नेशनलिटी मिल जाए, लाइफ भी खुश है, सेट है लाइफ। नहीं है, जब तक आपको आपका मेंटल पीस नहीं मिलता, आपको आप खुद से सेटिस्फाई नहीं होते, चाहे आपको कैनेडियन नेशनलिटी मिल जाए चाहे जर्मन मिल जाए, घंटा फर्क नहीं पड़ता उससे। सबसे मुश्किल स्टेज है आई फील लाइक, जो सबसे मुश्किल स्टेज पे है आपकी जॉब लगने से और आपकी डिग्री होने के जो बीच का पीरियड होता है, इट्स लाइक द शिटिएस्ट पीरियड एवर, जहाँ पे यू डोंट नो कि जो आपने किया है वाज इट वर्थ इट, जो आपने चीजें की हैं जी वो कोई मुझे रोकेगा भी कि नहीं। शुरू में 3 महीने बहुत पॉजिटिव होते हो, रख लेगा रख लेगा, बाद में जब 3 महीने जाते हो लाइक कि मैंने लाइफ में किया क्या, फिर आपको वो चीज आने आती है, यार मैं ये करता रहा, मैं वो करता रहा, माँ बाप के पैसे, ये वो, यू नो ऑल दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, और आप कश्तियां जला के आए होते हो। मोस्ट ऑफ द पीपल दे वर लाइक हमने कश्तियां जला दी हैं, हम वापस नहीं जाएंगे। जब ये वाली मेंटेलिटी होती है, ये वाली मेंटेलिटी आपको और रगड़ती है। ठीक है, मैं उन लोगों को जानता हूँ जिनकी 3-3 साल से जॉब्स नहीं हुई, 4-4 साल से जॉब्स नहीं हुई डिग्री के बाद, बट वो वहां पे हैं। क्यों? माय ओनली क्वेश्चन इज क्यों? अगर वहां पे नहीं हुई तो वहां पे दाना पानी नहीं लिखा, वापस चले जाओ मुल्क। ठीक है, जितनी मेहनत तुम अपने मुल्क में जाके सक्सेसफुल होने में कर सकते हो, तुम्हें वहां भी उतनी सक्सेस मिलेगी जितनी तुम्हें यहाँ मिल सकती है। हमारे मुल्क में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। अब लोग कहते हैं फिर यहाँ आने का क्या फायदा, हम जर्मनी ही क्यों आए जब हमने वापस जाना था। भाई आप जर्मनी इसलिए नहीं आए कि सारी उम्र बस अब यही करना है, यही जीना मरना है मेरा। वर्ल्ड वर्ल्ड इज चेंजिंग। ठीक है, आपके पास एक माइंडसेट आ गया, आपको वो एक्सपोजर मिला है जो वहां बैठी 1 बिलियन आवाम को, इंडिया में बैठी 1 बिलियन आवाम को, पाकिस्तान में बैठी 20 करोड़ की आवाम को नहीं मिला। आपने वो दुनिया देखी है जो उन्होंने नहीं देखी, आपने वो सिस्टम देखा है जो उन्होंने नहीं देखा। जब ये जो मेंटेलिटी है ना कि भाई वापस गया तो सब खत्म है, दिस इज अ रॉन्ग मेंटेलिटी। वापस गया तो तुम वो चीजें स्टार्ट कर सकते हो जो वहां पे बैठे हुए लोग स्टार्ट नहीं कर सकते। तो जब ये चीज आ जाती है ना कि लाइक भाई मैंने ये कर लिया वो कर लिया, डिग्री नहीं है और ये हो गया वो हो गया, भाई नहीं सोचो ये चीजें, नहीं सोचो डिग्री की, शुक्र करो इट्स एन अचीवमेंट, तुमने मास्टर्स किया। वहां पे जाके किसी को बोलो मैंने जर्मनी से मास्टर्स किया, दे वुड लुक एट यू लाइक you have done something, that's true. Okay, bhai, it's not easy, and you have done that. Masla wahan pe aata hai jab aap apne hi kiye pe pani kar dete ho. You're like, maine masters kar liya, ab main kya karunga? Mujhe to koi naukri pe nahi rakh raha. ठीक है, वहां से आपकी सेल्फ स्टीम जाती है तेल लेने, जो सीधी सी बात है, वहां पे आपका कॉन्फिडेंस जाता है तेल लेने, और फिर आपको लगता है कि जी खत्म, नो वो आप उस पॉइंट पे आते हो कि मैंने लाइफ में किया क्या, उखाड़ के लिए। और जब वो वाला पॉइंट आता है ना, तो वो पॉइंट लोगों के लिए वहां से निकलना बहुत मुश्किल है अगर उनकी जॉब नहीं लगती तो, 2 साल बाद 3 साल बाद। और जैसे जैसे टाइम ज्यादा जाता जा रहा है, उतना ही ज्यादा डीपर आप उस ट्रैक में, उस होल में, शिट होल में जाते जा रहे हो, और उतना ही मुश्किल आपके लिए फिर वहां से निकलना होता जा रहा है। तो इस ट्रैप को समझना पड़ेगा कि यार अगर वहां पे नहीं लगी तो इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। वहां के बहुत प्रॉन्स हैं भाई, वहां के अपने देश के बहुत प्रॉन्स हैं आपकी सोच से भी ज्यादा। यू हैव फैमिली सिस्टम, यू हैव सोशल सपोर्ट, यू हैव फ्रेंड्स, तुम्हारा देसी खाना, देन यू हैव इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, यू हैव इंटरनेशनल एजुकेशन, हाथों हाथ लेंगे तुम्हें। तुम्हें उस चीज की कदर नहीं है, तुम्हें उस चीज की कदर नहीं है, लेकिन ट्रस्ट मी इट मेंट समथिंग देयर, इट मेंट समथिंग बैक देयर। लेकिन मसला ये होता है जी अपने ही किए पे वो कहते हैं जी नहीं हमने तो कुछ किया नहीं, वो चीज आई फील लाइक। और एक और चीज मुझे लगता है कि उनको वो कन्वर्जन वाला जो फैक्टर आ जाता है ना, वो बहुत उनकी लेता है।
कि यार यहाँ पे मैं जॉब करूंगा, यहाँ पे मैं इतना छाप रहा हूँ, वहां पे क्या मैं 20,000 की जाके जॉब करूँ, वहां पे क्या मैं 30,000 की जॉब करूँ। तो मोस्ट ऑफ द पीपल वुड स्टिक टू जी नहीं, मैंने यहीं पे ही रहना है, यहीं पे जीना मरना है, सारी लाइफ गुजार देते हैं। कर क्या रहे हो सही भाई, बात वहां के 2,000 यूरो और इंडिया में कमाया हुआ 1 लाख इट्स स्टिल बेटर देन वहां के दो 2,500 यूरो। तो आप वहां की क्यों नहीं देख रहे हो प्रॉन्स? ठीक है, इंडियंस में काफियों को मिला हूँ, देवर लाइक नहीं जॉब करनी है तो यहीं करनी है, हमारे पेरेंट्स ने तो भेज दिया था, अब हमारे पास देयर इज नो गोइंग बैक। और वो राइट बहुत बहुत परेशान, बहुत उदास। अब मेरा सीन होता है, मैंने मेरी जॉब लग भी गई, मेरा वहां पे दिल नहीं है, तो आई बी लाइक भाई कुछ और कर लेंगे। ठीक है, अपने अपने पे है ना कि भाई खुद पे इतना कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया है कि नहीं अब बस कुछ कर लेंगे। ठीक है, अब इतना एक्सपोजर मिल चुका है जिंदगी में, लाइफ में, कि भाई अपने कुछ ना कुछ तुम कर सकते हो। वहां भी तो लोग सक्सेसफुल हैं, वहां के अमीर लोग यहाँ के अमीर लोगों से बहुत ऊपर है। तो सही बात है, बहुत सही बात है। हम ये क्यों सोचते हैं कि यार नहीं, पाकिस्तान गया या इंडिया वापस चला गया तो लाइफ इज अ मेस। अगर अगर आप कुछ कहना चाहो, क्योंकि आई थिंक आई फील लाइक के लोग जो भी इस स्टेज से गुजर रहे, स्पेशली ड्यूरिंग द कोरोना टाइम्स, जॉब मार्केट इतनी अच्छी नहीं है, तो उनको आई फील लाइक के कुछ बोल दो यार, कि यार नहीं होता तो ठीक है, इट्स ओके, इट्स फाइन। राइट। तो बेसिकली मुनीम ये कहना चाह रहे हैं कि यू नो पीपल हु लिव हियर वो एक एक सिस्टम के आदी बन जाते हैं, ठीक है। वो एक सिस्टम के यू यू गेट एडिक्टेड स्लैश स्लेव, ठीक है। हाँ, तो राइट, फॉर एग्जाम्पल वुड बी कि आपको, आप जब घर से निकलते हो बर्लिन में, जर्मनी में, बेसिकली आपको 1% का भी दिमाग नहीं लगाना है जब आप ए टू बी रोड क्रॉस कर रहे हो, राइट। बिकॉज यू गेट सो डिपेंडेंट ऑन नो रेड लाइट पे, लाइट पे डिपेंडेंट रहते हैं कि अरे हाँ अभी ग्रीन होगी तो हम चल देंगे। दारू पिया है या होश आवाज पूरी खो बैठे, ठीक है। यू आर सो यूज टू दैट सिस्टम नाउ, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल विच कम्स टू माई माइंड इज एज सिंपल एज गोइंग टू सुपर मार्केट, राइट। आपने अपना कॉइन डाला, आपकी अपनी कार्ट निकली, आप गए अपना शॉपिंग किया, कार्ट डाली, पैसे लिए, घर पे आए वापस, राइट। आई थिंक ये काफी सारी चीजें, सिक्योरिटी हो गई, क्लेनलीनेस हो गई, ठीक है, हाई अर्निंग जॉब्स हो गई, ठीक है। ये सारी जो चीजें हैं ना, दे ल्यूर यू इन, ठीक है। यू गेट एडिक्टेड टू दैट सो सो स्ट्रांगली कि आप अपनी खुद की स्ट्रेंथ्स भूल जाते हैं, ठीक है। यू आर फेड विद सो मच गुड थिंग्स विच इज नेसेसरी, ठीक है। बट आपको ये सारी चीजें होते हुए ये नहीं भूलना है कि आपकी जो स्किल्स है आप उस पे खड़े हो, ना कि आपकी पढ़ाई या आपने जो भी किया। चलो ठीक है, वो तो दैट वाज वन वे टू पुट वन फुट इनसाइड द डोर, राइट। बट जो मैंने आपका पॉइंट था, इट्स सो एप्लीकेबल बिकॉज आई हैव सीन पीपल जो जीरो से हीरो बने और फिर हीरो से भी जीरो भी गए, ठीक है। इज द पॉइंट इज कल को मान लो आपको वापस जाना भी पड़ रहा है यहाँ से, ठीक है, तो आप जरूर, आई कैन बैक यू 100%, यू वॉन्ट बी द पर्सन हु केम दिस इन दिस कंट्री, ठीक है। यू विल नॉट बी, और आपकी जो स्ट्रेंथ्स तब होंगी ना, व्हेन यू आर गोइंग बैक, आपको पता होगी कि ठीक है यहाँ पे ये फ्लॉ है, ये है, और मैं वहां जाके ये करना। अब वहां जाके भी दो चीज है, नौकरी करनी है, बिजनेस करना, ठीक है। अगर नौकरी करनी है तब आपका वो वाला पॉइंट आता है, पैसे वाला। अबे यार कहाँ मैं इतना लाखों में ऐसी मतलब बर्गर बना के कमा रहा था, ठीक है। यहाँ पर लाइक कॉर्पोरेट लाइफ भी मेरे को आधे से कम सैलरी दे रही है, राइट। आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस, ठीक है। वर्ल्ड इज ओपन फॉर यू, दुनिया में भले ही जर्मनी एक सक्सेसफुल कंट्री होगी इस कॉन्टिनेंट में, फ्रांस इज डूइंग इक्वली गुड, पोलैंड इज डूइंग इक्वली गुड, एनी वेयर यार आप कहीं पर भी चले जाओ, चॉइस इज योर्स वेदर यू वॉन्ट टू गो बैक होम, वेदर यू वॉन्ट टू गो बैक होम विच इज क्लोजेस्ट टू द सिटी, लाइक फॉर एग्जाम्पल दुबई, परफॉर्मिंग सो गुड, गिव्स यू यूरोपियन लाइफ स्टाइल, राइट। दो दो 3 घंटे के फ्लाइट पे आप घर से वापस अप डाउन कर सकते हो, राइट। सो देर इज अ मैटर ऑफ चॉइस वॉट यू हैव फॉर मी। क्वालिटी ऑफ लाइफ स्टाइल, जो आपने एक और पॉइंट बोला कि कोई लॉर्ड साहब दे हैड दिस थिंग विद देम एंड देन दे कम हियर एंड देन एवरीथिंग स्विचेस फॉर देम एंड नाउ एवरीथिंग उनको खुद से करना है सब कुछ। आई थिंक वो लाइफ का तो एक हिसाब है खुद से सिखाने का, बट
जस्ट टू कीप दिस पॉइंट वेरी शॉर्ट, कि आप जब यहाँ आओगे यू विल गो थ्रू अ वेरी डिफाइंड सिस्टम फॉर एवरी थिंग वॉट यू डू, नॉट इन द रेस्ट्रिक्टिव वे. ठीक है, तो बेसिकली ये आपको उतनी फ्रीडम देंगे बट उनकी लगाम भी उनके हाथ में है. बेसिकली वो जब उनको पुल करना है तो आपको पुल भी कर लेंगे 100%. ठीक है, अब काफी लोग बोलते हैं जब वो यू नो जब मेरे से रीच आउट करते हैं, आई एम श्योर सेम क्वेश्चन मस्ट बी कमिंग फॉर यू, कि भैया मेरे को ये बताओ स्टे बैक का ऑप्शन क्या. ठीक है, करियर डिजायर गोल मेरे को क्या बनना है, ये सब बाद में आता है. ठीक है, कि मेरे को स्टे बैक का ऑप्शन कितना है, इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो कितना समय मिलेगा जॉब ढूंढने में. दिस इज वेयर योर पॉइंट कम्स. यू सेड आप ग्रेजुएट हो चुके हो और नौकरी लगी नहीं है अभी तक, राइट? तो ये जो फेज है, मेरा जो कहना है, ठीक है, मेरा जो कहना है ये फेज को आपको आने ही नहीं देना है अगर आपके दिमाग में है कि मेरे को यहाँ नौकरी करनी. ठीक है, अब वो कैसे कर सकते हो आप पढ़ाई करते हुए इंटर्नशिप कर सकते हो. ठीक है, मुझे याद है मैं कुछ 4 इंटर्नशिप कर चुका था. ठीक है, YouTube करते हुए सब कुछ चल रही थी जिंदगी, बिकॉज आई नो लाइफ इज डिवाइडेड इन टू थिंग्स, वन इज एसेंशियल्स, वन इज गुड टू हैव. जो एसेंशियल्स है आपके, अगर आपने एसेंशियल्स को सॉर्ट आउट करके रखा ना तो आपका पीस ऑफ माइंड आपको परमिशन देगा गुड थिंग्स टू हैव इन लाइफ के लिए. ठीक है ना, तो वो जो गैप है मेरे ख्याल से वो चीज का ऑलरेडी यू कैन ऑलरेडी टेक केयर व्हेन यू हैव योर एसेंशियल्स करेक्ट इन प्लेस. ठीक है, आपने मेक श्योर करे आपकी ग्रेड सही चल रहे हैं एक ट्रैक पे, पढ़ाई सही चल रही है, आपने ये मेक श्योर करा मेरे को कनेक्शन भी बिल्डअप करना है, मेरे को ये मेक श्योर करना है कि मैं जो सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ इज बीन अप्लाइड आउट इन द इंडस्ट्री, राइट? उसके लिए आप इंटर्नशिप करते हैं, उसके लिए आप पार्ट टाइम जॉब्स करते हो और तब वहां पर प्रूव करते हो खुद को कि लुक दिस इज वॉट माई स्ट्रेंथ आर, दिस वॉट आई कैन डू फॉर यू. एंड अगर किसी को आपका काम पसंद आ गया यू विल स्टे इन देयर गुड बुक्स ऑलवेज. ठीक है ना, आप पढ़ाई खत्म करके इन्हीं लोगों के पास वापस जा सकते हो नौकरी मांगने अगर आपने अच्छा काम किया है तो. ठीक है, वेदर यू लाइक द ब्लडी जॉब और नॉट यू हैव टू परफॉर्म गुड, बिकॉज आपको नहीं पता ये देश बहुत छोटा है. ठीक है, आप कल किसको कहाँ बम्प हो जाओ आपको नहीं पता होगा. ठीक है, तो मेरे लिए वो गैप को जितना कम से कम रखो उतना बेटर होगा. और अब जब लास्ट सेमेस्टर में हो आप, आपकी जो लास्ट सेमेस्टर की जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ना इतनी तगड़ी होनी चाहिए कि आप जैसे ही ग्रेजुएट हुए आपके हाथ में लेटर होना चाहिए आपके हाथ में. ठीक है, ये वो लोग होंगे जो ज्यादा गैप रुक जाते हैं ना, जो एकदम लास्ट मोमेंट के लिए रख रहे हैं, अभी अभी तो ग्रेजुएट हो रहे हैं, अभी उसके बाद 18 महीने मिल रहे हैं देख लेंगे. आई थिंक वो एटीट्यूड आपको होना ही नहीं चाहिए डे वन से. तो मैं तो आपको ये बोलता हूँ आप डे वन आज इतनी इन्फॉर्मेशन हम जो शेयर कर रहे हैं दीज आर आवर एक्सपीरियंसेस. ठीक है, वी हैड टू लर्न द हार्डर वे. ठीक है, आपके पास वो रीजन नहीं है अभी जब आप हमें सुन रहे हो. ठीक है, आप हमारे एक्सपीरियंसेस सीख लो, हो सकता है हम सब कुछ ना बता पाए इस पॉडकास्ट में बट जो चीजें आपको लगता है कि मेरे पे एप्लीकेबल होती है डे वन से यू शुड बी सो डैम क्लियर इन योर हेड. मैं आया हूँ इस देश में डिग्री लेने के लिए नहीं, लिटरली कुछ बनने के लिए, राइट? एंड मेक माई सेल्फ पोटेंशियली अवेलेबल फॉर द एंटायर वर्ल्ड नॉट जस्ट फॉर जर्मनी. ठीक है ना, अगर वो माइंडसेट के साथ आओगे ना आपको हर देश दुनिया सब बॉर्डर खोल देगी आपके लिए. मेरे लिए तो वही है. सो एक और जस्ट टू कंक्लूड लास्ट पॉइंट, ये जो पॉइंट बोला आपने वापस जाने का, आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस. ठीक है, यू कैन लिव हियर, इट्स अ वेरी लिवेबल कंट्री. यू नो देर आर इफ यू गो ऑन टॉप स्कैंडिनेविया इज मच मोर ब्यूटिफुल, देर आर मोर यू नो क्वालिटी ऑफ लाइफ इज वे 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 अबाउट. ठीक है, choice is yours. पैसा चाहिए या quality of life चाहिए? ठीक है, या इज्जत चाहिए, right? इज्जत तो मिलने से रही है society में आपको. It's a matter of choice. Europe में 25, oddly there are 30 countries in Europe, not in EU.
आप कहीं पर भी जाके रह सकते हो जब आपने रियलाइज कर लिया ना कि अरे मैं खुद कितनों को जानता हूँ, दे वे स्टार्टिंग हियर नाउ दे आर डूइंग देयर पीएचडी और जॉब इन नॉर्वे, स्कैंडिनेविया, ऊपर फिनलैंड में, स्वीडन में. सो या आई थिंक वहाँ, यहाँ से वहाँ ऊपर की तरफ जाना या यहाँ से पाकिस्तान या इंडिया जाना, इट्स ऑलमोस्ट द सेम थिंग. ठीक है, वॉट यू गो देयर विथ इज योर स्ट्रेंथ, इज वॉट इज मेकिंग डिफरेंस, दैट्स व्हाट आई फील. सो या वही ना, आपका माइंडसेट है कि आपका माइंडसेट आपको बताएगा आप एज अ फेलियर वहां पे जा रहे हो या आप एग्जैक्टली वहां पे जाके ऐसा सक्सेसफुली कंट्री को छोड़ के आप जा रहे हो कि मैं वहां पे कुछ करूंगा. क्योंकि राइट. व्हाट आई फील है कि हमारा मोस्ट ऑफ द पीपल दे थिंक कि जी वहां जाएंगे बस जर्मन पीआर मिल जाए, जर्मन नेशनलिटी मिल जाए, लाइफ भी खुश है, सेट है लाइफ. नहीं है, जब तक आपको आपका मेंटल पीस नहीं मिलता, आपको आप खुद से सेटिस्फाई नहीं होते, चाहे आपको कैनेडियन नेशनलिटी मिल जाए चाहे जर्मन मिल जाए, घंटा फर्क नहीं पड़ता उससे. मैंने मैंने ज्यादा सेटिस्फाई लोग देखे हैं यहाँ पे, जी पाकिस्तान में या इंडिया में बात करो, जिनके पास कुछ नहीं है. ठीक है, कुछ नहीं होगा जी, बड़ी बड़ी घर नहीं है, बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं है, द ओनली थिंग दे हैव इज पीस. ठीक है, वो जब रात को सोते हैं ना, वो सुकून की नींद सोते हैं, चाहे वो मजदूर की बात करें, हार्ड हार्ड वर्किंग लोगों की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है. ठीक है, कल नहीं पता रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी, हम तो 10 साल का प्लान करते हैं ना, वो अगले दिन का प्लान नहीं होता उनके पास कि भाई कोई आके हमें मजदूरी देगा या नहीं देगा. बट जो एक चीज है ना, वो सुकून है कि जी रात को सोएंगे तो उन्हें पता है कि बगैर दवाइयां खाए उन्हें नींद आ जाएगी. सही बात. यहाँ पे उस लेवल के लोग भी देखे हैं कि जी फरारी रखी हुई है, आप घर हैं 10 10 घर हैं, लेकिन उनके जितने ऊपर हैं उतने ही मसले हैं. आई एम श्योर यू हर्ड अबाउट के जी फ्रैंकफर्ट में फाइनेंस मिनिस्टर कमिटेड सुसाइड. व्हाई व्हाई? पैसे की कमी तो नहीं थी बॉय को, ठीक है, घर भी बड़ा होगा, गाड़ी भी बड़ी होगी, क्या था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उतनी बड़ी थी ना, उसने फील किया रिस्पॉन्सिबिलिटी को, भाई करो ना कि मैं मैनेज कैसे कर पाऊंगा. हमारे पॉलिटिशियन तो भाई ठीक है साइड पे रखो एक तरफ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की फिक्र तो क्या शायद पता भी ना हो कि क्या हो, लेकिन उसके माइंडसेट से सोचो कि वो किस वजह से प्रेशर पे गया. ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट व्हाट्स इनसाइड योर हेड. तो हाँ, I think it's you're making a very important point. It's about whether you want to make your system run by fear or by the fuel of optimism. ठीक है. तो वाह, वही है. आई थिंक सो या ओवर टू यू. थैंक यू. मैंने आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड क्वाइट अ बिट ऑफ आवर एक्सपीरियंस, जो कि 5 5 8 5 1/2 ईयर्स रह के हमने वहां से सीखा, या आई एम श्योर के निकलेश ने मुझसे तो ज्यादा ही सीखा होगा. बट अगेन आई होप कि अगर आपको ये पॉडकास्ट सेशन पसंद आया हो, निकलेश से आपके और सवाल हो, और अगर आप चाहते हैं कि हमें देखते रहें, सपोर्ट करते रहें, वी डू अप्रिशिएट इट, क्योंकि जितने लोग देखते हैं या अच्छे कमेंट्स देते हैं, पास करते हैं, अच्छा लगता है, सारी बात है, इट गिव अस अ ड्राइव, अ मोटिवेशन टू मेक मोर कंटेंट, जो कि आई फील लाइक कि जरूरी है. अगर कोई देखता है ना, वो नीचे कमेंट करके लिख देता है, अगर देख रहे हो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बता दो, चाहे एक थम्स अप भी दे दो, लाइक कि हाँ पता है भाई लोग देख रहे हैं. हाँ, यूज इट अ थम्स अप. निकलेश के चैनल पे जाओ, डू सब्सक्राइब हिम एज वेल. अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं, मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप कर दें तो ठीक है, नहीं करें तो इट्स फाइन. हम तो बनाता रहेगा भाई, हमको मजा आ राइट रहा है. लेकिन राइट आई एम रियली ग्लैड, आई थिंक इट्स अ फर्स्ट कोलैब जो कि निकलेश ने किया होगा किसी भी यूट्यूबर से के साथ, आई थिंक इन दैट्स जर्मनी. ट्रू. मेरे पास मैं नहीं करता एक्चुअली. आई आई डोंट नो, लाइक नॉट बिकॉज़ आई डोंट हैव, आई डोंट वांट टू, बट मे बी ये एक टाइम है जहां पर मैं खुद घर पे बैठा हूँ या अपने लिए कुछ बना नहीं रहा हूँ. तो तो अभी है बट टाइम मिल गया, आई टाइम एम मिल हैप्पी गया. यार. हाँ, इन माय केस आई एम मोर लाइक यार, पहले ही हम छोटे से लोग हैं वहां जर्मनी में, जो हम रह रहे हैं, पाकिस्तान से हो या इंडिया से हो, द मोर वी शेयर आवर नॉलेज द मोर सक्सेसफुल वी आर गोना बी. और मुझे उतनी ही खुशी होती है जब किसी इंडियन की जॉब लगती है या किसी पाकिस्तानी की जॉब लगती है, मुझे उतनी ही खुशी होती है जब मुझे इंडिया से मैसेज आता है या पाकिस्तान से मैसेज आता है. इन माय केस आई फील हैप्पी अबाउट इट, कि भाई सुकून है. ठीक है, दोनों जनता सेम जनता है, ये बॉर्डर बॉर्डर के डिफरेंस निकाल दो,
छोड़ दो ये पॉलिटिकल शिट है, और हम हमारे लेवल से बहुत ऊपर की शिट है। हम मास्टर लेवल के पढ़े लिखे लोग हैं, अगर हम एजुकेटेड लोग उन चीजों में पढ़ जाएंगे तो भाई नहीं, अगली जनरेशन का भी वही कबाड़ा करेंगे जो हम पीछे से करते आ रहे हैं। आई फील लाइक नहीं, बस बात है। ठीक है। तो आई थिंक मेरे को ये सिर्फ एक लास्ट पॉइंट बोलना है ये कि आई थिंक ऑल द एफर्ट्स आप जो भी ले रहे हो अपने लाइफ में, इट्स फॉर योर ओन सेल्फ, ठीक है। अपने आप को ये कोसना बंद कर दो, सेल्फ पिटी बोलते हैं जिसको, अरे यार मेरे साथ तो ये हो गया यार, अरे यार मेरे तो ना नसीब ऐसी है। अबे यार स्टॉप फकिंग टॉकिंग लाइक अ लूजर, ठीक है। मेक श्योर कि अगर आप ये जर्नी तय कर रहे हो जर्मनी में या कहीं पर भी पूरी दुनिया में, जहाँ पर भी जाना है आपको, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना मोटिवेशन अपने बैग में लेके चलो, ठीक है। आपको आपको कोई थपथपाने पीछे से नहीं आएगा कि वाह वाह बेटा वाह क्या काम किया है, घंटा कोई नहीं आ रहा, ठीक है। ये सोचो यू आर अलोन एंड यू हैव टू विन दिस बैटल, बाय हुक और बाय क्रूक, डजंट मैटर व्हाट, एट द कॉस्ट ऑफ हैप्पीनेस, दैट इज द बेस ऑफ एवरीथिंग। That's important. ओके That's important. We can तो या ये बोलना था। write a book, Niklesh. Like, देखो क्या महान लोग बन गए, क्या इतना इलम बांटे। नहीं गुद्दी में जब पड़ती है ना इतनी चढ़ते तो आई एम प्रिटी श्योर कि अभी भी बहुत से लोग कह रहे होंगे क्या बैठ के लंजा रहे भाई, क्या है लाइक व्हाट एल्स, चल क्या रहा है। लेकिन खैर है भाई, वो जब किसी पे जब तक पड़ती नहीं है ना, तब तक वो आपका खोपड़ी में जाता नहीं है। लाइक एंड मे बी मे बी ऑल ऑफ दिस वुड नॉट हैव मेड सेंस टू लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो, कि क्या हाँ बात श्योर, कर रहे क्या हैं, बिकॉज यू क्या हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ दिस यार, थ्रू द प्रोसेस, तो गो वो थ्रू द प्रोसेस। बट अगेन वो निकलेश, आई एम रियली हैप्पी वी डिड दिस, और होपफुली आगे भी हम मिलते रहेंगे। जैसे लॉकडाउन खत्म हुआ है, कुछ भी होता है, तो होपफुली यू आप मिनिस्टर आए, मैं बिल्डिंग का चक्कर लगाता हूँ। तो लेट्स गेट स्टे स्टे कनेक्टेड और स्टे हेल्दी, बी सेफ निकलेश, यू भी आप भी ख्याल रखिएगा। केसेस आर ऑन, लॉकडाउन इज अभी ऑन। थैंक्स ब्रो, थैंक्स ब्रो। लॉकडाउन इज ऑन, आप अपना ध्यान रखो, ठीक है। ओके बाय, ओके भाई, नाइस टू मीट यू। ओके बॉयज। टेक केयर, पीस आउट, बाय।